गुड मॉर्निंग गाइस, आप सब कैसे हैं? अभी उठे हैं, 6 बज रहे हैं और आपसे के लिए मम्मी बुला रही हैं, सुन ले क्या कहती हैं। ना 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 बेटा, ना 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 ना, क्या हुआ? नहीं निकला, लाओ ऑटो निकाली। तूर का है दीव पूरे का फोले था अभी चौपर का इच ओ यख ना एक ढक्कन ही तो गैस खत्म हो गई थी, वही दूसरा चेंज करना, तो इसलिए मम्मी बुला रही थी, गैस खोल नहीं पा रही थी। फिलहाल अब मैं चल रहा हूँ मंजन मंजन करने, फ्रेश होने, फ्रेश होके तब आराम से वीडियो बनाते हैं। आगे ब्लॉग में बने रहना, शाम तक की मैं पूरा ब्लॉग बनाता हूँ। फिलहाल पेट में हुई है गुड़गुड़, चलिए पहले फ्रेश हो लेते हैं। ठंडी लग रही है। फिलहाल तेरा भाई नहा चुका है भाई, पहले पंखा बंद कर देते हैं। अरे यार, बंद करने की जगह चला रहा हूँ दूसरा पंखा। चलिए पूजा कर लेते हैं, उसके बाद फिर ब्लॉग में आते हैं। बड़ा लंबा ब्लॉग बन जाता है लोग कहते हैं, तो थोड़ा शॉर्ट में बनाना चाहेंगे हम। पता नहीं पूरा देखते भी लोग कि नहीं देखते हैं, इसलिए अब थोड़ा छोटा करेंगे मुझको ही। ऐसे देखो, ऐसे ऐसे देखिए, मैडम आ गई, आज फिर गुस्सा आई है, रिश्ता सही कर रही हैं। चलिए भाई, पूजा हो गई है और कल मैडम को फिर से मैंने बोल दिया, आज फिर गुस्सा है। चलिए देखते हैं, गुस्सा शांत हुई नहीं रात भर में। यार क्या करें, कोई भी काम कहते हैं, कहती हैं बस ना पढ़ना है, बीमार रहती हैं, दवाई भी नहीं खाना है, दिखाने नहीं जाना है, तो इसलिए मैं बोल देता हूँ, बस ख़राब हो जाता हूँ। फिर यार चलिए देखते हैं, मनाग हुई हैं न हुई हैं देख लेते हैं। फिलहाल चलिए दिखाते हैं कर क्या रही हैं। अगर कोई उल्टा सीधा बोली, वीडियो आज से बनाना बंद, गारंटी के साथ। चलिए देखते हैं क्या कर रही हैं, कुछ बना कि नहीं बना। बाकी हमने बताया था ना, अगर कुछ भी बोलेंगी वीडियो नहीं बनाएंगे। कल से तेरा भाई अकेला आएगा। कवर बहु कहा बना कहा नहीं बना, भाई कुछ नहीं बना। देखिए इनका आवाज किस धुन में है। चलिए भाई हम भी कपड़ा पहन के निकलते हैं, खाना वाना नहीं खाएंगे। जैसे उस दिन वीडियो नहीं बना था, लेकिन आज हम वीडियो बनाएंगे। अब इनके लिए हम अपना ब्लॉग थोड़े ही छोड़ सकते हैं। अब चलिए निकलते हैं कपड़ा पहन के, कपड़ा पहने ही निकालना पड़ेगा जब मुँह फूला फूला नहीं रहता। रहने दो, हम नहीं बोलने जाएंगे उनसे, ठीक है? डेली डेली किसी से छोटी सी छोटी बात पे गुस्सा हो जाती है, हो जाए। चलिए हम कपड़ा निकालते हैं और पहन के निकलते हैं। खाना ना खा वो कह लूँगा वो जो सब बना दही तो संध्या का एक खा ले। आज सारा फॉर्मल में पहन लेंगे, ठीक है? चलिए पहन के तब बनाते हैं। फिलहाल देखा उनका गुस्सा,
बिना कुछ खाए पिए निकलेंगे, गैस वैसे ही बनी है, चलते निकलते हैं हम पहन के, बाकी दुकान पे मिलते हैं सबसे। चलिए भाई खाना आ रहा, खा लेते हैं, गुस्सा शांत हो गया। चलिए थोड़ा सा खाना खा लेते हैं, दाल चावल। वैसे खाने का मन नहीं है, गुस्सा तो गुस्सा होता है, वैसे गुस्सा इनका शांत हो गया, लेवल में आ गई। अभी दिखाते हैं, लाने गई है खाना। यार हर वक्त गुस्सा, हर वक्त गुस्सा, समझ में नहीं आता ये सब चीज। लैला के मार सामान उठा के दे दो, बच जाओ तुम। देखो गुस्सा, देखो गुस्सा, देखो पारा, देखो पारा। अभी भी चेहरे से लग रहा है पारा गरम है। भैया चलिए भैया हम निकलते हैं। मॉर्निंग में कहा था पास्ता बनाने के लिए, आज पास्ता नहीं बनाए हैं, अब कल मॉर्निंग में बनाएंगे तो बनाएंगे, देखते हैं। क्योंकि जब गुस्सा लग जाती ना, कुछ करने का मन नहीं करता यार। फिलहाल देखिए ना, अभी भी फूला हुआ है, फूला नहीं रहता। चलिए हम अपने काम पे चलते हैं। मेरा काम है क्लिनिक पे जाना, पेशेंट देखना, और कोई काम नहीं। चलिए हम निकल लेते हैं, बहुत हुआ बातचीत। अब मैं क्लिनिक पर से घर जा रहा हूँ। देखिए अंधेरा हो गया है, 6:30 बजने वाले हैं। मेडिकल ये है, क्लिनिक बंद कर दिए हैं। चलिए हम टलते हैं मौज लेते हुए। अब मैं क्लिनिक पर से घर आ गया हूँ। रोज़ाना का जैसे है, पैर हाथ मुँह धोता है, फ्रेश होता हूँ, उसके बाद पूजा करके तब हम आपसे मिलते हैं। पूजा हो गई भैया इतनी टाइम की। चलिए पूजा हो गया है, कपड़ा चेंज हो गया, बस नाश्ता पानी करना बाकी है। बाकी आज जीवन में कुछ नहीं है, आप सबको पता होगा, यही इतना कहानी है बस।